बिल्कुल इस नंबर को सुन करके ये जनता दिखेगी नहीं, अगर दिखेंगे तो यहाँ 10-20 आदमी दिखेंगे बस। वो मालूम है तुम कहीं बैठे हो, वही सुन पे बैठे हो। रही बात पहले मास्टर साहब, हाँ भैया ठीक है, न कहे का धुन बजाओ मां साहब। हाँ सर, अपने शांति बनाओ एक मिनट, के सोरे कहे ना कहे जगह भाई साहब ने जगा दे भाई, मजा जब ही आवे वो जगाओ जगाओ। इसका तो गाना ही बजाना ऐसा है मालूम पड़ता है, ऐसा बोल दो जैसे कोई पोपलो आदमी है ना जान तुई। हेलो चला ली सबता। जैसे कोई पोपलो आदमी हो तो गाए दुनिया मोहम्मद गांधी जी कहूं अंत नहीं गांत है तुम तो जानने होंगे मैं कहां की बात कर रहा हूं। सबरे जोर लगा दे तो और जोर बेकार है जान तो। एक बात बताइए हृदय से बताना आप, इसके पूरे नंबर पर तुम्हें आनंद आया कुछ भी? ना बिल्कुल नहीं। तो तेरा गाना बजाना ही बेकार है भाई। अरे पैसा तो लेने सवेरे गांगे मुकेश शर्मा के पैरों की तू धोमन नहीं हो सकता जीवन भर। और मैंने तुझसे पहले नंबर पे भी कहा कि तेरा भी जो भी कलाकार हो मेरे अखाड़े वाले सब बैठ जाएंगे। एक माइक तू पकड़, एक माइक मैं पकड़ रहा हूं, तू आ क्यों नहीं रहा है? तू हिजड़ा बन के क्यों बैठा है? मैं बना रहा हूं भाई, जियोगे जियोगे। मैं तुझे निमंत्रण दे रहा हूं, तू जो कुछ गाए मुकेश गाएगा, और मुकेश गाए तू आ भी कर जाना। और नहीं आवे तो पीछे तक आवे वो छोजी डांगर साहब। तुम जानते हो कि मुकेश क्या है और ये ऐसे पिल्ले जने कितने डोलते हैं? ये बच्चे हैं कोई बात नहीं, जानकारी नहीं है। और एक बात और कही थी, तुझ में जूते मारू देखो कितनी एड़े। क्यों बे? ए तू मत बोल बेटा, बैठ जाओ तुम तीनों, बैठ जाओ तीनों, बैठो मैं कह दे रहा, बैठ जाओ तू बैठ जा। तुझ में जूते मारू, तेरे बाप में जूते मारू, फिर बाप की बात आएगी पंडित जी, गलती कौन कर रहा है? फिर गरवानी बताओ, हाथ उठा के बताओ कर रहो है? तो जो पन्हने के काम कर रहो कि ना कर रहो जी? निखालस पिटवे के काम। तुझे कोई मार नहीं रहा है ओए बाबा जी, तो देखने का। अब मैं खुले मंच से कह रहा हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। तो जैसे जन कितने डोलते मुकेश शर्मा के सामने, रही बात कि तेरे किसन में जूते मारू। मेरे गुरु हैं, अगर गुरु से बात करेगा तो जूते की तो बात कितनी, 315 की भीतर तक पवार दूंगा तो मैं। और उस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं लगसमा का, अगर आंख से आंख मिलाई ना तो तेरे दो टूक कर दूंगा, अगर गुरु और बाप की बात करेगा तो। एक ही गुरु है जागो। और रही बात देखी, मैंने कहता जी फूफा ताली बजा रहे हैं तो क्या करो, किशन शर्मा में चाचा लगता है कह रहो ना, एक अलग तो किशन शर्मा में जूता मार रहो है और एक अलग किशन शर्मा है चाचा मान रो है, तो वो ऐसा लगता तू खानदानी ना, तू अपने बाप में जूता मार ले तो दिखत हुआ। ये बिना खानदान का है। अरे वाह नीचे बहन जो
और रही बात मैंने खैर और गोंडा की बात कही थी तो मैं इतना कमजोर आदमी नहीं हूं कि तुझसे कहूंगा अगर तुझे मारना चाहूंगा तो तेरे हथीसा में मारूंगा। वो आदमी हूं और तू चैलेंज के साथ में कभी मिल जाना अगर बात मुझसे कर रहा है। तू मुझसे बात वाला नहीं है, तू मुझसे पैसे वाला नहीं है। पैसे में रसिया गाने वाला मणि एक मिनट बात करूंगा इससे, जो कुछ कह के गया उसका हिसाब और उसके बाद में गाना बजाना चालू। बोलो मत। रही बात व्यक्तिगत बात, किसी को मंच पर करना नहीं चाहिए। जैसे मुकेश ने गाना गाया दिल जीता तो पे गानो ही ना यारो न बजेंगे माता उन्हें दिल होता है तो भाई के हर देर में देख गाना बजाना क्या होता है। हो लाली सविता अरे हर पेर में सबरी कह रही थी और देख तेरे गाने पे तो कोई नहीं बोला, फिर बोलेंगे ये जनता वाले के हर पेर में चुन चुन के लाई कभी तो मेरे देखे देख जे फिर बोलने लगे फूफा ये तो ऐसे ही बोलेंगे कभी तो मेरे ठीक है कभी तो मेरे राम आएंगे कभी तो मेरे राम आएंगे। और डांगर साहब के मैंने पल पल आ मैंने पल 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 के बिछाई जोर से बोलियो कभी तो मेरे। अब एक बात बताइयो ऐसी गायोगे नहीं देख गाय क्या जरा तो तू कौन कलाकार बनाए दो नीचे। अब आइए रसिया बाजी की तरफ क्या जट्टारी में मोह मालूम है मेरो यहां दंगल भयो का वोट देते पंडित जी मौजूद हैं और कैसी न कैसी करके गुकटवा दो के पंडित जी अब की बार और बुला लियो भाई मोई चलो कैसी न कैसी कर लो हो जुगाड़ गांठे। अरे हम तो किंगे हम तो मत ना करे पंडित जी हम तो किंगे। हमसे जब फोन गया कमेटी का तो कमेटी ने किसी और की कही थी और रही बात अरे हम बोलवा ना रहे हमारे नंबर पर कोई नहीं बोलेगा जब मुकेश बोल रहा है तो मुकेश ही बोलेगा केवल। हाँ साहब अब इन बातों को छोड़ते हुए क्योंकि आग लग जाती है आदमी में हम तेरे नाच नखरे उठाते रहेंगे। हाँ जी मुकुंडा शर्मा हम तेरे नाच नखरे उठाते रहेंगे और गर रूठो भी दिल भर तो हम मनाते रहेंगे। देख जोर से बोलो हम तेरे नाच नखरे उठाते रहेंगे और गर रूठो के दिल भर हम मनाते और अगर अपनी आदत से तुम ना बाज आए ऐसे ही गाली देते रहे अगर अपनी आदत से तुम ना बाज आए तो हम उंगली न पे तुमको नचाते रहेंगे। अब सुनिए नंबर की शुरुआत न बजा के मासा सुनिए नंबर की शुरुआत। अरे तेरा खत्म मसालो सब है गयो तेरा खत्म मसालो
दो घास। बैठ जा पकड़ लेंगे ओ, एक जटारी के ये पकड़ लेंगे तो ये सब हनुमान बुला देंगे। हाँ जी, क्या तू 12 बजे तक गावा, 12 बजे तक गांगो, 3 बजे तक गावा, 3 बजे तक गांगो, भावरो है जान तो थूक फेंक जान तो है। जब तू रात भर कुटरो है तो दो दो तीन तीन नंबर तो दिन से गाय ना जा रहे, तू 4 बजे तक काले गावे गो अपनी अम्मा सुनावे मुझे उल्लू को पट्टा। देख शान, जो तू बोल रहा है मैं गलत नहीं समझ रहा हूं, जो तू बोल रहा था, जो तू बोल रहा आ तो सही आ आने आ। मेरे उल्लू का पट्टा का है तो बुरा लग गया, जब बाप में और गुरु में जूता मार रहा जब ना बुरी लग रही। जो भैया सही है क्या गलत है, हाथ उठाओ, तू आ तो सही, ते चीरा फाड़ करके दो न कर तू तो मुके सुनाई। अरे तो चाचा मारू मैं, बोल हाथ से मिल लियो कर ले बोल, बस जंगल सुन बस। क्या का दानी है दान दान पे, ये का दानी है ओ दान दान पे, तो जैसे मुर्गों को तो हम काटना जानते हैं कि हमें किस तरीका से काटना है। अरे का दानी है, जब तू कहना जानता है तो दूसरे की सुना कर, एक और बार कह दू, हाँ कह दू भैया, ये पब्लिक के ला रही ओलू का पट्टा। अरे का दानी है दान दान, और बेमतलब में तू चिल्लाता है, बेमतलब में तू चिल्लाता है, अरे बेमतलब में तू चिल्लाता है, और तीन तीन तो और श्राप लगे हैं, और सुन कर क्यों चल लाता है, तीन तीन तो हाँ। क्यों भाई साहब क्यों, माइक पे दो, माइक पे। आप पहले बोले, आपने मैं जब से सुन रहा हूँ, तू भी बोले इसका बाप को जूते कहीं मारो गए मारो, मत चलो कोई मरना हो गया तेरा, गलत मत बोलो, गलत मत चलो, सब बच्चे देख रहे सुन रहे, अच्छी खूब बोलो भाई साहब। मैं अब दंगल लगाऊंगा, आपकी बात समझ गया मैं, इस कुत्ते के किसी के मुंह नहीं लगूंगा मैं, ठीक है साहब। हाँ ठीक है, तैने बोला था मैंने तुझे जवाब दिया, तुझे चढ़ना नहीं था, मैं गाड़ी में आराम से सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था। हाँ जी सुनो, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सुनो मनी आप बैठ जाओ तुम, सुनो सुनो यार, हर बार कह देते हो उस बात कि पंडित जी बैठ जाओ, तुम कछु करते रहो यार, ये नहीं होगा यार, चाहे तुम हो या करण हो, कि पंडित जी बैठ जाओ, चौधरी साहब बैठ जाओ, बात यह है ठीक है, इतना ही हो गया, अब आगे रसिया शुरू करो, ये कुछ नहीं होगा यार, बिल्कुल रसिया ही कह रहे हैं, ठीक है बैठ जाओ। पब्लिक ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, एक बार जोरदार और तालियां बजा दो, यहां तो मट्टी खराब एक तरफा। अरे का दानी है दान दान, और बेमतलब तू चिल्लाता है, अबे मुंह पे ही मार गए चिल्लाता है, और तीन तीन तो श्राप लगे ही सुन कर तू चल। बेटा मैं गाड़ी में सुन रहा हूँ, कई चीजों को तो इंतजार हो गई। अरे तो कु मरनो पड़े जरूर, और तू है आदत से मजबूर, के रण में मार मिलाए दऊं धूर, रण में मार मिलाए दऊं धूर, मार मिलाए दऊं धूर, कोसे का मोना Thank you.
अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं। मेरा आप लोगों से निवेदन है अगर बैठ जाओ तो बहुत बढ़िया लगेगा भाई। और पंडित जी केवल मैं ही बैठा सकता हूँ पब्लिक को क्योंकि मौसम बन चुका है। न बैठ जा भैया, हाथ जोड़ के निवेदन बैठ जा। अगर के कहते हो तो क्या के कहे थे पब्लिक न बैठती। डारा 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 फिल्मी दुनिया वाले कह रहे थे अरे अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू। कभी सर पाऊं कभी गले लग जाऊं मेरा खुद पे नहीं काबू। बिना पायल के ही बजे घुंघरू। सुभाष चाचा अब जाई मंडी खराब कैसे होगी। मंडी बैठ जा महाराज बैठ जा। तुम्हारी भावनाओं में समझ रहा हूं पंडित जी। अब सुनो देखो कि चाहे बाप में जूता मारे क्या औकात तो तुमने देख ले। अब जूता इतनी बुरी चीज ना है भाई साहब। चाचा जूता हुए मैं चार जगह घटाऊंगो। जूता बुरी चीज ना ला कितने जूता है तो ला मैंने वो सुनो। हाँ जी डांगर साहब पहला जूता। आते जाते चलते फिरते सब शान बढ़ावे जूता है। आते जाते चलते फिरते सब शान बढ़ावे जूता है। और सुन लगे इतना अनुभव है मुकेश को गाने बाजी में मौका दी गंगो। अगर कोई छोरा ससुराल जा रहा हो जाके गम में हतीसा में जट्टारी को अगर एडिडास के कंपनी के जूता पैर रखे तो क्या हतीसा में कह देंगे कि भाई छोरा ने जूता कंपनी के। बिल्कुल हाथ उठा के बताओ शान बढ़ावे जूता है। और पंडित जी जाके नंबर पे एक उतारी ना भाई पीछे से देख रहे हो अब देखियो शान बढ़ावे जूता है। और देखो चारों लगते बजेंगी मकान दुकान पे लटकाए दे हो तो वो नजर बचावे। मकान दुकान पे लटकाए दे हो तो नजर बचावे जूता है। सही है क्या गलत है साहब। हाँ भैया देख ले जे बड़े बूढ़े नौजवान और बालक सबरे हाथ उठा रहे हैं अब क्या करूंगी। और तू गावे की कह रहा है तू गावे की कह रहा हो चार बजे की तो वो दो नंबर तो गिन लेना है गावे का। ये तो बेशरमाई तो गावे आ जा तो तू एक थप्पड़ मारो फिर अगले नंबर पर देखूंगा फिर दूसरे नंबर पर पड़ेगो फिर अब के तीसरे पर पड़ रहो तेरे पे। ओ मकान दुकान पे लटकाए दे हो तो नजर बचावे जूता है। ओ जलाल परवारे हो नजर बचावे जूता है। और लाली समता शादी के टाइम पे सारी तीसरा जूता देखो किल्ला हो गया तुम। देखो पहले तो ही बजबे लग गई ना भाई गलत थोड़ी कह रहा हूँ डांगुर साहब। क्या लाली को ब्याह करोगे तुम क्या छोटी बहन होगी तो ब्याह होगा तुम्हारे जूता चुरावे गलत है क्या है भैया। हाँ नेगू लेगी नेगू शादी के टाइम पे सारी किल्लियो क्या मालूम पड़ा जाए कान में जावे शादी के टाइम पे सारी तैयार हो आई चुरावे। शादी के टाइम पे सारी तैयार आई चुरावे जूता है। भैया क्या हुआ गाई तो ना उधरो में। हाँ जी बाबूजी गाई तो ना उधरो तरीका दे बोल लो
आते जाते चलते फिरते सब शान बढ़ावे तू चाहे शान बढ़ावे जे हो चोरे बोल सकता तुम तो कोई सो ना बिल्कुल नहीं जो मैं बोल लो कहां बोल सकता कोई सो तुम्हारी जीव टूट के बाहर और कर पड़ेगी लाली अरे शान बढ़ावे जूता है मकान दुकान पे लटका दे तो जिन नजर बचावे जूता है शादी के टाइम पे सारी बोलियो आए चुरावे जूता है आए चुरावे जूता है बेटा ढाई दियो और चौथा जूता बड़ा कठिन है आए चुरावे जूता है जब परे तड़ा तड़ तेरी चांद पे तो चांद सुजावे जब परे तड़ा तड़ तेरी चांद पे तो चांद सुजावे और भैया पसरा जो भैया मजा आ रहा हो और जाके नंबर पे आ रहे हो कछु ऐसा गा रहे हो रो मना था जैसे का कोई पीछे तो कूच रो आ गया मैं और बुला जी अरे चौकड़ी रही है भूल नाना पास रही है काहे का बात है अगर बात करे तो तरीका देखे पंडित जी देखो हवाल ने का बात की बुरी लग गई अब क्या क्यों लग गई तो फिर कहानी बिगड़ेगी अरे चौकड़ी रही है भूल नाना पास रही है हम तो एक ही बात कहेंगे करण शर्मा तरीका से गाओगे तो दंगल तुम्हारा बराबर का हो जाएगा अगर मुकेश से चैट के कभी दंगल गाया ना तो जीवन भर में 19-20 भी नहीं लग पाओगे मैं तुम्हें एक नसीहत दे रहा हूं आज रही बात मेरा दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा मेरा दिल तेरी हर रात से अच्छा होगा और मेरा ये नगमा तेरी हर बात से अच्छा होगा और उठा करके देख लेना घूंघट तू अपनी डोली से मेरा ये जनाजा तेरी बारात से अच्छा बैठी तेरे बच्चे खोल फूबलिया होर सोन अरे मोखो पड़े गो जाकी खाई पाटी लेंगे अरे मोखो पड़े गो जाकी खाई पाटी लेंगे ओ आदत की गंदी है बड़ी पाखंडी है परशुराम अरे आदत की गंदी है बड़ी पाखंडी है सोबत में मच्छर जाके गाल काटी लेंगे सोबत में मच्छर जाके गाल काटी लेंगे अरे फूबन करे खीर आंगन में रखे खीर अरे फूबन करे खीर आंगन में रखे खीर अरे ग्वाल वाले कुत्ता जाकी खीर खा लेंगे ग्वाल वाले कुत्ता जाकी खीर खा लेंगे अब देखिए तू काई बावरो है भाई मारेगा तो कोई हाँ जी अरे कब मांगे सेरी डों अरे रुक जा मांगे ठेका डों बाबरा मत है जाकर पहले नंबर पे भैया थोड़ी सी शांति सुरेखा और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की इनने बात कही
मैंने जवाब दिया कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हुआ तय, मगर रुक्मणी को लेकर के भगवान कन्हैया और दोबारा से ये लेकर के आए जवाब में, अरे सर मन छोड़ी तेरे पाप की छोरी, सर मन छोड़ी तेरे पाप की छोरी। अब देखो देख जी कलाकार बैठे हैं, एक लंग तो आ रही हो काफिया छोड़ी और एक लंग आ रही है तेरे बाप की छोरी। रा और ढा में लड़ रहा कचू भैया, तो गलत बोल लो गला बोल लो, मार खावे के काम कर रहा हो फिर देख। अरे सर मन छोरी तेरे बाप की छोरी, नाए मन में ने कल जी, अरे नाए मन में ने कल जी, जाना मत तू चोले रहे हो किसन की, और देखो बहन भजी। कौन सुभद्रा? सुभद्रा ही बात कर रहे हैं ये। जा किसन की बहन भजी, अब मैं चौथा और क्या दिखा रहा हूं, सुनिए तरीका की लड़ाई लड़ता है मुकेश, इधर उधर की बात नहीं करता है। देख, अरे सभा के अंदर जे बनाए दो बंदर, सभा के अंदर जे बनाए दो बंदर, सभा के अंदर जे बनाए दो बंदर। और सही हो जवाब तो ताली। सभा के अंदर बनाए दो बंदर, स्वयंवर में सभी सजे, सभा के अंदर ये बनाए दो बंदर, स्वयंवर में सभी सजे। विश्व मोहिनी को स्वयंवर है रोए, समझ यू मेरी बात है, तरीका दे जवाब दूंगो क्या की तरह ना है। ये तो पागल है चुको है, ये भांग पी तो पूरे दिन और रात भी मारे आयो दो तीन सुत्ता बावरा है वो। सभा के अंदर बनाए दयो बंदर, स्वयंवर में सभी सजे, और सही हो तो ताली। अरे दुल्हन ले गए वो चक्करदारी, इनके मुंह पे बार है, हो दुल्हन ले गए वो चक्करधारी, इनके मोड़े पे बार है बचे। देखो भैया तो मैंने खूब जोर लगाया पर ये कर मेरा बोल दिया ना जोर दे सबरे लग मान दे। अरे सभा के अंदर बनाए दयो बंदर, स्वयंवर में सभी सजे, और भैया जो खड़े गाय सबरे बोलियो हाथ जोड़ के निवेदन हो। दुल्हन ले गए विष्णु जी, इनके मुंह पे देखो क्या कह रहे हैं मुकुटा बनी जी, इनके यार काकू एक जी बता तुम सबरे बोते इतने प्रेम से बात कर दो, जाके मैंने कहा सिर चुरा लिए जाकी और एक दूसरे की और का सिर चुरा लिए मैंने। अगर तरीका से गावे को तो तरीका से मुकेश सुखावे को, अगर आंख बेकार की बात करेगो तो चार गुना मारूंगो, एक कहेगा तो चार खूंगो, मिलके किसी से नहीं गाएगा मुकेश कभी। और इसी वजह से मुकेश के पूरी रसियाबाजी में सबसे ज्यादा दंगल होते हैं पंडित जी, मिलके नहीं गाएगा। अरे दुल्हन ले गए विष्णु जी, बोला इनके मोह पे बार, फिर बोलियो जाके मोह पे बार। देख 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 इन्हें फूफन ना देख, गलत ना हूं कह रहा हूं लेख दे कह रहा हूं, लाओ डांगुर जी अब लाओ। हो दुल्हन ले गए विष्णु जी, इनके मोहड़े पे बार बजे, और बिना दुल्हन के ही, बिना दुल्हन के ही, अगर सही हो तो तानिया, बिना दुल्हन के ही रहे नारद, सही हो तो ताली बजाओ। नारद ने हरि का रूप धारण किया विश्व मोहिनी के लिए, देख अरे दुल्हन ले गए विष्णु जी, इनके मोह पे बार बजे, अरे बिना दुल्हन के ही पंडित, अरे बिना दुल्हन के ही रहे नारद, बिना दुल्हन के ही
सबरे और देखो जे सबरे कर ले प्रहार प्रहार अरे जी भर के कर ले प्रहार जी ये 50 रुपए का पुरस्कार सविता डांगर चौधरी चौधरी बोल दू लाली वैसे तो तू डांगर लिख दी अच्छा सविता चौधरी जलालपुर से इनके पिताजी यहां विराजमान हैं कार्यक्रम में से आए जागरण में से ये 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं एक बार जोरदार आप तालियां बजाएं के तू जी भर के कर ले अरे प्रहार अरे प्रहार और झेलो आगे मेरो बार के पीछे हट के जावे बुधकार पीछे हट के जावे तो धिकार दो से मामोना हाँ जी हमारे पंडित जी कह रहे हैं बार बार के भैया वो मल्हार हो जानी चाहिए हाँ जी फरमाइश है और भैया भी मुझसे कह करके गए कि एक मल्हार हो जानी चाहिए तो सुनेंगे मल्हार मास्टर साहब भैया कह रहे हैं कि जाने पकड़ो मेरा हाथ बाग और दे दे जवाब बिल्कुल बिल्कुल चिंता काई कर रहे हो दिल रोता है दो दो दुहाई बजेंगे ना मैं पहले मल्हार गा रहे हो बाके बाद में दे दो पर तो मैंने पहली दे पहले हो सही है देख दिल देता है दिल दिल बे दिल दिल बे दिल दिल बे दिल हो और माता बेटा रुक जा हाँ माता वही तो ना बजाओ दिल देता है रो रो दुहाई बाबरो हेरो तू बाबरो हेरो देख सारा रा के सुभाष चाचा हमारे अतरौली वालों के एक कलाकार हुए थे क्या बात सूरज उस्ताद उन्होंने शुरुआत करी रसियाबाजी में डारा डारा तो मैंने नकल करी उनकी और मैंने आज तक गाई अब मैं जो करवे लग जाऊं ना सारा रा तो सबरे रसिया वाले सारा रा ही करते रहेंगे जय हो के दिल देता है दिल देता है सज पे बैठ राजा ओ सज पे बैठ रोए सजनिया सजना को भागई वो सो कलिया और
देखो जनानो का करो सले जी बाबा तो देख लो लुगाई के साया में मस्त है। वारे वाह कोई राया में मस्त है कोई लाया में मस्त है ना बेटा। और मैनू को ते तो साया में मस्त है राया में मस्त है और मैं जो कह दू जा कर्ण की लुगाई तो लाया में मस्त है तो कैसो लगेगा। व्यक्तिगत बात मत किया करो किसी से और फिर सुनने का अनुभव रखा करो। देख तैयारी है जाएगी भैया तैयारी है जाएगी लोग हसाई ना होएगा कोई असुर सगो। ओ तैयारी है जाएगी लोग हसाई ना होएगा कोई असुर सगो ना होएगा कोई असुर सगो है ना होगा कोई असुर सगो। और रावण तो कह रही है के तुमने पकड़ी मीठो मीठो मानो हो तो तू गा रहे हो क्या गीत है के तुमने पकड़ी मेरी कलाई रिश्ते में मेरे ससुर लगो। यही तो बात है भैया। हाँ यही थी। सेज पे बैठी हारे पुरानी याद आ गई है। पंडित जी कह रहे क्या बेटा प्रसाद अरे गेहूं की देखो खीर करे बन जाए अरे खेतन में धान फिर काय को उगाए जाए। गेहूं की देखो खीर करे बन जाए तो खेतन में धान फिर काय को उगाए जाए अरे फल जो फरासन पे आवे कर मीठे मीठे आम अमरूद फिर काय को लगाए जाए। क्यों गलत ना है सुन ले बाबरा मत आराम आराम दे बाबुरी लगनी चाहिए साहब चौजी चाचा जी सारो ही घर ले जावे काऊ ब्याह में परमनिया तो ब्रह्मनिया को काम कोनो को हो तो है चाहे तो बहनो ही होए चाहे कोई फूफा होए कोई तो लेके जावे को और क्या जैसो सारो कैसे ले जाएगा भाई न ले जावे को जी जा और फूफे ले जाते। हाँ बोल क्या सारो ही ले जावे ब्याह में परमनिया सहारे क्या सारो ही ले जावे ब्याह में परमनिया और जी जा और फूफा फिर काय को बुलाए जाए और कल ही जले जो बच्चा जो पैदा करने लगे लोना लोनिया के ब्याह काय को लोना लोनिया के ब्याह काय को। और एक लाइन में कह दूं भैया मुझे याद आ रही है जब तू कह रही है कह दूं हाथ उठा के बोलो और देखो ताली कैसे बजेंगी। अरे लोना लोंडियन के ब्याह काहे को कराए जाए लोडा लोंडियन के ब्याह काए तू कराए जय हो लोडा लोंडियन के ब्याह काए तू कराए जाए बेटा डब्बू लोडा लोंडियन के ब्याह काए तू कराए लोडा लोंडियन के ब्याह काए तू कराए जाए। जे हतीसा के कर हतीसा में ही ब्याह ने तो जट्टारी के बराती फिर काहे को बुलाए जाए। भाई मैंने गलत नाए गई यहाँ करण शर्मा की रिश्तेदारी है भाई मैंने ऐसी सुनी है कछु न कछु रिश्तेदारी है तो मैंने क्या वजह था कह दिए भाई कोई बात ना है जब बहन बेटी बारे होते हैं तो भैया ब्याह ही जानते हैं और ले ही जानते हैं।
तुमने पकड़ी के तुमने एक बात बता मजा आ रो ना आ रो पूरो देख लो पंडित जी पूरो और फिर देगा तान तोरे हो आए कि जहां पब्लिक सुने या ना सुने तुमने पकड़ी मेरी कलाई रिश्ते में मेरे ससुर लगा अरे तुमने पकड़ी है मेरी कलाई रिश्ते में मेरे ससुर लगो है उर्वशी इधर को देख तोते तो बेटा मैं बहुत प्यार करता हूँ बात समझ तू बात समझ बढ़िया गाता है ये लड़का जो डांसर है और देखिए इसके पूरे नंबर पर ताली नहीं बजाई मैं इसके डांसर के लिए आप लोगों से कह रहा हूं कि तालियां आप बजा दें और ये बेफूबरा आदमी जो आ नहीं करना जाने पंडित जी बहुत बुरी लगते हैं पूरे अखाड़े को अगर चला रहा है तो ये लड़काई और मोह तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अगली साल से क्या तो सत्यानाश न है जाए और मैं ही करवाऊंगा जाए पूरा करवा दूंगा चिंता मत करो अगली साल दिखेगा नहीं अखाड़ा देख ए उर्वशी नेक देख लाल भाई कहनी तो पड़ेगी बेटा उर्वशी जब तैने कहिया तो कि रावण क्या कह रहा है पंडित जी सत चित आनंद बैठ जा सत चित आनंद पंडित जी इन तीनों शब्दों से मिलकर के बना है वो मैं हूं रावण कह रहा है सत चित आनंद सच्चिदा नंद सत चित आनंद इन तीनों शब्दों से मिलकर के बना है वो मैं हूं अरे बजा करती है आकाश दुंदुभी परगन में है मेरी आज्ञा से ये सूरज और निकलता है मेरी आज्ञा से ये चंदा और सूरज निकलता है और मेरी आज्ञा से आकाशों से जल बरसता है तो ये रावण क्या कह रहे हो उर्वशी इधर को देख देख अरे चिरंडी है क्यों कौन हुई और बस ही एक अप्सरा थी पंडित जी जानने हो कल या देखो पब्लिक आप ही हंस गई है बेटा बैठ जा क्या है तो यार मासा क्या मार तो कितना ही देर लगेगी यार मैं नकल अंदर ही मार लूंगा यार और हार जाके पटे तो यही ना है देख नहीं दिखवा होना कर दिखवाएंगे ना और देखो जो टाइम पास करबो लटूरी मां साहब को कंधा पकड़ लो ना सुन ले टाइम कट जाबो जाते लूत कट जावे अरे ना है मुकुटा शर्मा यही में गाना छह ठहरो जो कलाकारी होते मुकुटा शर्मा सुनो बेटा रिंकू घर से निकलते ही देख ले पब्लिक कैसे बोल रही है कुछ दूर चलते ही बोलियो रास्ते में है उसका घर हो कल सुबह दे कलाकारी बढ़िया लगी हो तो एक बार तालियां ये कलाकारों का क्षेत्र है तुमने पकड़ी मेरी कलाई रिश्ते में मेरे ससुर लगाओ अब रावण कह रहा बेटा चिरंडी है क्यों
सराई और बसी। अरे जिरंडी है क्यों, जिरंडी है क्यों पतराई, जावे ना मेरो बसर ठगो। अरे जे रंडी हो करके बतराई, जावे ना मेरो बसर ठगो। तुम कह रहे हो तो ले, बसर कहते हैं हृदय के लिए। बाबूजी देख, जावे ना मेरो बसर ठगो, जावे ना मेरो बसर ठगो। और अगर सही लाइन हो तो सबकी ताली चाहो। बसर ठगो कहते ने देवन संग, कहते ने देवतन संग, तेने देवन संग, अरे देवन संग रात बिताई ना कोई छोड़ो हसर पको। देवन संग रात बिताई ना कोई। जवाब है हरो गला हरो भैया, क्योंकि उर्वशी अप्सरा थी यानी के वैश्या रूपी। देख तेने देवन संग, पंडित देवन संग रात बिताई ना छोड़ो कोई हसर पगो। और देव अप्सरा तू कहलाई, देव अप्सरा तू कहलाई, नाच कूद के मैं बोलियो। देव अप्सरा तू कहलाई, और क्या रसियाबाजी में, और या नाच कूद के तू सती। देव अप्सरा तू कहलाई, नाच कूद के सती गाई। तेने पहले ही तू हाथ पकड़वे की कह रही है, रावण कह रो तू हाथ पकड़वे कह रही है। देवतन में तो तू सबरे कर्म न करते डोली है, यहां सीता बन रही है। गलत तो ना करो देख। अरे तेने पहले ही, अरे तेने पहले ही नाक कटाई, के तेने पहले ही नाक कटाई, जावे ना मेरो तेने पहले ही नाक कटाई, जावे ना मेरो असर भगो। अरे तेने पहले ही नाक कटाई, जावे ना मेरो असर भगो, जावे ना मेरो असर भगो। कैसे हुए है कि इतनी बड़ी बात कर रही है तू? देख कैवे कैवे के अंदर होता मुकेश कह तो कहा तो बड़े जोर से कहते हो। देख के चिरंडी है कि चिरंडी है कि, अरे चिरंडी और रंडी, चिरंडी है क्यों पतराई, जावे ना मेरो असर भगो। अब तो ना रहेगा भैया जवाब है। अब एक मलार की कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान को गीत गाऊंगो, चिंता मत करो, यही नंबर पर गाऊंगो। पहले मलार, मलार और जिस मलार की फरमाश कर रहे हो वही मलार। बहना मेरी, ए,
बाबाजी मेरी बहना मेरी बहना मेरी बहना पंडित जी ने देखा पंडित जी ने कर रहा इतना पंडित जी उठता जा रही है हम कह रहे हैं हमारे पंडित जी कहते हैं मेरी बहन अखिया है प्यासी प्यासी मन भावल पूरन मासी अब तक ना आयो मेरो अब अपनी बात कहो क्या कह रही हो अजी सुन रहे हो पंडित जी सुन लियो क्या कि नहीं मेरा खीसा में लग रहा मेला मैं मेला देखे में जा रही हूँ अगर तुम्हारे क्या दे रही हो तो मुझे अरे वाह जान दे बाहर में हतीसा है हतीसा में लगे मेला सदा अरे हाथ समय लगा तो दाऊ जी बाबा को मेला हाँ लड़ू जावे तो को छोटो मोटो मेला लगे जावे को भाई माइक माइक में तो अच्छा नहीं कोई तो अच्छा लगा तो जाना हो तो अच्छा लगा तुम्हें क्या मेरे भोला पंडित जी के पेट माऊ देख बुढ़ा तो शरीर है मेरे भोला मेरे भोला कहे दे तो पिहर जाऊ मेरे भोला कहे दे तो पिहर जाऊ अम्मा के मैं मिलिया हूँ रचायो मेरे बाप ने सती जी कह रही है चाचा बोले बाबा थे अब बोले बाबा का समझ आ रहे हैं और देखो तुम ताली बजाओगे सबरी हाँ बेटा मेरे भोला मेरी भोली मेरे भोला और कैसे कैसे समारू क्या भोली है ओ मेरी भोली कैसे तो समझाऊं मेरे भोला मैं भोला कह दे तो पिहर जाऊं ओ मेरी भोली कैसे तो समझाऊं और पिहर तो नाए पठाऊं पिहर तो नाए पठाऊं और देखो ताली कैसे बजेंगे पंडित जी पिहर तो नाए पठाऊं क्योंकि नौ तो नाए भेजो जा तेरे बाप और ये 50 रुपए हमारे लेखराज पंडित जी की तरफ से आए आशीर्वाद की कामना करेंगे समझ में आ रही है भैया मलार मेरी भोली मेरे भोला कह दे तो पिहर जाऊं मेरी भोली कैसे तो समझाऊं पिहर तो नाए पठाऊं ना आवाज दे के बोलियो जोर से नौ तो नाए भेजो जा तेरे मेरे भोला कह दे तो पिहर जाऊं अम्मा ते मैं मिलिया हूँ यके रचायो मेरे बाप ने हाँ जी ये 200 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया नोनेरा निवासी हैं गोंडा के पास में है काम नोनेरा तो वहां से ये चल करके रसिया सुनने के लिए आए और कह रहे हैं कि मुकेश भैया एक देश का गीत इसी नंबर पर होना चाहिए बिल्कुल चिंता न कीजिए आप ओ ये हमारे राजवीर सिंह राजवीर वर्मा जी ये 50 रुपए देते हैं आशीर्वाद की कामना करेंगे भोला राम वाली देखो देख फिर बलवान को मेरी भोली बाबा बोले बाबा मेरी भोली न मंच पर आ जाओ बाबा आ जाओ आ जाओ अरे जी तो माँ बालक आ रहा माँ सामने हल्को हो माँ पहले पैर पूछ लो मैं मेरी भोली अब जे भोले बाबा हैं जे का कह रहे हैं सती थे मेरी भोली कैसे तो समझाऊं पीहर तो नाए पठाऊं और जोर से बोलेंगे भाई जी तो हो तुम में नौ तो नाए भेजो जा तेरे ये हो ए क्या चूदर आ है क्या चूदर कोलिया सिया दिल में दे
की बढ़ाए दे अच्छी लगेगी मेरे सबकी फरमाइश पूर्ण कौन करने की कोशिश की। अब एक गीत पंडित जी सुनेंगे मेरी तरफ से और धुन बजाएंगे मास्टर साहब। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं। ध्यान पूर्वक सुनना भैया गीत को। भैया केवल आपकी 10 मिनट और मैं लूंगा। करण शर्मा जी ने एक गीत गाया जानकी। इस गीत का तुम्हारा गीत ही पूरा गलत है। जो जानकी है जो पतव्रत धर्म के कारण जिन जानकी ने अपनी पूरी जिंदगी कष्ट में निकाल दी और उनको ये एक शब्द लेकर के आए वो है अनजान की। अनजान किस आदमी को कहते हैं जिसको बुद्धि विवेक। हाँ जी समझ रहे हो ना अनजान की। तो तुम्हारा पूरा का पूरा ही गीत गलत है। और एक सुजान की एक लेके आए सुजान की वो तो ऐसा लग रहा हो कि सुजानपुर अथका सोपा सुजानपुर गया की तुम्हारा बात कर रहे हो। एक चीज बताओ जब जानकी शब्द आएगा तो अनजान की बिल्कुल गलत और एक सुजान की तो मैं नीचे गुरु तो कह रहा हूं। मैंने गुरु कहूं सोपा सुजानपुर की तो बात ना कर रहा जी। यार मेरे और ये हमारे मोहम्मद सिंह नकल करोगे जीवन भर हम आसा। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे पंडित जी क्या बात है। हम भूल गए रे हर बात के हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। ओ क्या क्या हुआ दिल के साथ हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। जितने भी यहां रसिया सुनने वाले हैं एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे बोल भारत माता की। ए हिंदुस्तानी क्या बोल रहा है बे क्या बकरा है तू कहां का रहने वाला है तेरा हिंदुस्तान में क्या है क्या चलता है उसका हमें भेद बता। मैं पाकिस्तान का हूं देख ले कट पे डोल लो यहां मत कह बेटा पाकिस्तानी बाप खून गर्म है जाएगा। कोई बात नहीं खून को ठंडा भी कर दो। एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले गदर भैया उसमें एक डायलॉग आया अरे तुम पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हो जब तुम्हारे सर को ढकने के लिए तुम्हारे सर पर तरपाल नहीं थी जब हमारे बुजुर्गों के पैसों से तुम्हारे सर पर तरपाल आई थी जब तुम्हारा इस्लाम जिंदाबाद है इससे हमें कोई गम नहीं है जब हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद देख तो मेरे हिंदुस्तान में क्या चीज है ये पूछ रहा है। भेद बता अपने हिंदुस्तान मेरे हिंदुस्तान की खासियत सुन। दान और महादानों में है कन्या का दान महान बड़ा।
दान और महादानों में है कन्यादान महान बड़ा। और अगर सही होए दादाजी आशीर्वाद चाहूंगा। कन्या का दान महान बड़ा है माँ और बाप बराबर के, मगर उस माँ का स्थान महान बड़ा। माँ का स्थान महान बड़ा, माँ का स्थान महान बड़ा। यह नहाने को दुनिया जानती है, और देखो कि जनता कैसे बोलेगी। गंगा स्नान महान बड़ा, अरे गीत गजल और गानों में है वो राष्ट्रीय गान। गीत गजल और गानों में है राष्ट्रीय गान महान बड़ा। मैंने केस अनेकन देखे ही पर द्रौपद जैसे केस नहीं। मैंने केस अनेकन देखे हैं पर द्रौपद जैसे केस नहीं। मैंने रेस अनेकन देखी है पर कछुआ जैसी रेस नहीं। मैंने रेस अनेकन देखी है पर कछुआ जैसी रेस नहीं। मैंने कलेस अनेकन देखी है और सच्चे हिंदुस्तानी तो सभी हाथ उठा करके बोलेंगे घरे घरे जैसी कोई कलेश नहीं। और मैंने देश अनेकन देखे ही मेरे भारत जैसा, ये मैंने देश अनेकन देखे हैं मेरे भारत जैसा देश नहीं। क्या पूछ रहा है क्या मेरे हिंदुस्तान की खासियत भैया? ओ भैया चाय बारे न बैठ के भाई साहब न बैठ के भाई बेगाना है जाकर ना बैठ के दे दो। तो हिंदुस्तान की बात कर रहा है मेरे हिंदुस्तान की खासियत देख के जैसा अपना वो सैनिक कह रहा है के जैसा अपना ये हिंदुस्तान के जैसा अपना हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। अरे जैसे अपना हिंदुस्तान हो जैसे अपना हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। और न किला की गीयों जोड़ते जैसा अपना हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। हाँ बेटा जैसे अपना हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। और जहां जन्मे स्वयं भगवान, अरे जहां जन्मे स्वयं भगवान तो बोलो दूसरा देश न जोड़ के बोलो कि जहां जन्मे स्वयं भगवान दूसरा देश नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जैसा अपना हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। देख ले जय हो भैया। ये 100 रुपए का पुरस्कार भैया जी की तरफ से मैं बार बार नमन करता हूं। जे हनुमान खिचेल ले जाओगे पूरी अखाड़े तुम्हारे। देख जैसा अपना हिंदुस्तान दूसरा देश नहीं होगा। और बाबूजी और जहां जन्मे स्वयं भगवान वो दूसरा देश नहीं होगा। अब अगली बात भैया बैठ के भैया। और भारतवर्ष की खासियत
के जो परंपरा इस भारत की के जो परंपरा इस भारत की और सब आज भी इसे निभाते हैं जो परंपरा इस भारत की सब आज भी इसे निभाते हैं। और देखो अगर सच्चे हिंदुस्तानी होंगे तो पूरी जनता की तालियां बज जाएंगी। मेरे देश की खासियत है बेटा के जो परंपरा इस भारत की सब आज भी से निभाते हैं। और पंडित जी अरे भगवान समझ कर बाबूजी अरे भगवान मान के इस भारत में ये पत्थर भी पूजे जाते हैं। सुन तेरे पाकिस्तान में पत्थरों की पूजा होती है क्या? तो मेरा देश की इतनी बड़ी महानता है क्या? भगवान समझ के भारत में ये पत्थर भी पूजे जाते हैं। और भगवान समझ के भारत में पत्थर भी पूजे जाते हैं। और बढ़िया लग रहा हो भैया की तो क्या हो साहब? है प्रेम का पंथ महान दूसरा देश नहीं हो। है प्रेम का पंथ महान दूसरा देश नहीं होगा। अब दूसरी खासियत मेरे देश की टाइम को देखते हुए अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब मिलजुल करके रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल करके रहते हैं। और देखिए ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे गोंडा के पास हमारे गांव के ही हैं। भारती जी डॉक्टर हैं यहाँ पर जट्टारी में। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए देते हैं एक बार भैया के नाम की जोरदार आप तालियां बजा करके सम्मान का। हाँ जी के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल करके रहते हैं। और एक अच्छी बात बता रहा हूं भाई साहब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वेस्ट इंडीज यूक्रेन रूस किसी भी देश को ले लो दुनिया में किसी को लोग कुछ नहीं कहते हैं उसके नाम से बोला करते हैं मगर हमारा और आपका ये भारत देश ऐसा है कि दुनिया में इस देश का नाम बोलते हैं तो बड़े सम्मान के तौर पर कहते हैं। इसको ऑस्ट्रेलिया कहते हैं मगर हमारे देश को लोग इस नाम से बहुत ही बड़ी महानता पूर्वक बोला करते हैं कि भारत माता के नाम से लोग हमारे और आपके देश को संबोधित किया करते हैं इतना बड़ा हमारा देश। और देखिए पंडित जी दावे के साथ मैं कह रहा हूं बेटला जब मेरा मूड बन गया और याद आ गई रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है जब हमारे देश के 20,000 बच्चे यूक्रेन की सीमा में फंसे हुए हैं तो उनको निकालने का काम किया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और वहां पर पंडित जी वहां पर कहा कि इन बच्चों की पहचान किससे होगी कि ये भारत के रहने वाले हैं तो वहां पर प्रस्ताव रखा गया कि जो भारत वर्ष के 20,000 बच्चे ही इन बच्चों के हाथ में हर एक बच्चे के हाथ में एक एक तिरंगा दे दिया जाए जिससे कि उसकी पहचान। और सुनिए एक खासियत और सुनो अरे हमारे देश के 20,000 बच्चे तो आए ही आए अपनी जान बचाने के लिए जो बाजी पाकिस्तान हमारे देश से जलता है अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान के बच्चों ने भी इस तिरंगा का ही सहारा लिया था किसी और का सहारा नहीं। वाह क्या बात है। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल भारत में रहते हैं। और जोर से बोलियो अरे यहाँ छोटे बड़े जितने भी हैं इस देश को माता छोटे बड़े जितने भी हैं इस देश को माता कहते हैं।
भैया टान को देखते हुए एंड कर रहा हूँ। अरे या छोटे बड़े जितने भी हैं इस देश को माता कहते हैं। अरे है खिचो का परदान मेरे गुरबर का परदान, दूसरा देश नहीं हो बोल सच्चे दरबार की। हेलो 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 नौबत सिंह बाजौता वालों की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद।